आपको करना सिर्फ इतना है कि आपको एक गन्ना चाहिए जिसमें 7 गांठ होनी चाहिए। गांठ समझते हैं ना, बीच में जो टाइट वाला पोर्शन होता है उसको गांठ बोलते हैं। गांठ हमेशा तोड़ने की चीज है या शायद उस चीज को जोड़ने की चीज है जो टूट गया है पूरी तरह से, तभी गांठ लगानी पड़ती। तो गन्ने के बीच में गांठ है इसलिए क्योंकि बहुत मिठास है बीच में। एक मिठास दूसरी मिठास की तरफ नहीं जा पा रही उस गांठ की वजह से। ये बहुत अद्भुत प्रयोग है। लाखों रुपए दे करके जो तुम्हारा काम नहीं होगा वो ये करके देगा। करिए, बहुत श्रद्धा से करना, लेकिन पूरे विश्वास के साथ करना। गुरु का आदेश चाहिए इसमें, तुम्हें हो जाएगा तुम्हारा काम। 7 गांठ वाला, 7 मतलब 7 गांठ का एक गन्ना चाहिए। और तुम्हें चाहिए ऊन। ऊन चाहिए तुमको तुम्हारी राशि के अनुकूल, जो तुम्हारी राशि हो उसका जो रंग है। जैसे मेष राशि, मैं सारी बता देता हूं फटाफट, है ना, मेष राशि लाल, वृष राशि सफेद, मिथुन हरी, कर्क फिर से सफेद, सिंह फिर से लाल, कन्या छठी राशि कन्या फिर से ग्रीन, तुला व्हाइट या पल व्हाइट ऐसे भी कह सकते हो, फिर वृश्चिक फिर से लाल, धनु पीला, मकर काला, कुंभ काला या नीला, और मीन फिर से पीला येलो। ये कलर की ऊन लेनी है अपनी राशि के हिसाब से। उस ऊन को पूरी तरह से गन्ने के ऊपर रैप कर देनी है और उस गन्ने को दोनों हाथों से पकड़ना है, अपने मस्तक पर, अपने हृदय पे, अपनी नाभि में और अपने घुटनों पे स्पर्श करना है, और ऐसा 3 बार करना है ऊपर से नीचे की तरफ, और अपने ऊपर से ऐसा करने के 3 बार उतार लीजिए, और कहीं भी बहते हुए जल में, कुएं में, तालाब में या कैसी भी जगह अगर आप डाल दें, अगर आपके पास कुछ भी ऑप्शन नहीं है तो आप कहीं भी राने में डाल सकते हैं या जमीन में दबा सकते हैं। देखो, जो उपाय जैसे होता वैसे ही करना पड़ेगा। आपके पास पानी नहीं है, जल नहीं है, ऐसी कोई चीज, तो उसका अल्टरनेट यही हो सकता कि आप जमीन में दबा दें। ऐसा करने से आपको त्वरित लाभ होता है, इमीडिएट लाभ होता है, पहले दिन से इसका फर्क देखा गया है और बहुत अद्भुत प्रयोग है। इतना ज्यादा चमत्कारी है, मैंने कितने सारे लोगों को बताया, आज तक कोई एक आदमी पलट के नहीं आया कि मेरा काम नहीं हुआ, एक भी नहीं आया। श्रद्धा चाहिए, विश्वास चाहिए, निरंतरता चाहिए, बहुत भरोसा चाहिए, तो ये उपाय काम करता है। इस उपाय को करना सिर्फ शुक्रवार के दिन है। शुक्र को प्रभावी करने का उपाय है सिर्फ और सिर्फ शुक्रवार के दिन, बहुत प्रभावी उपाय है। और हां, इसको करना सूर्योदय के पहले या सूर्यास्त के बाद। सूर्य से इसकी दुश्मनी है।